24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था, वो घटनाक्रम सभी की आंखों में छप गया था, उससे लोगों में खौफ फैल गया था। यही कारण था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर ऐसा एक्शन लिया कि दोबारा कोई भी माफिया ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ऐसा हुआ भी। इसका ताजा उदाहरण है माफिया अतीक, जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। लेकिन अब खबर है कि इतना होने के बाद भी अतीक और उसके गुर्गे उमेश पाल जैसा हत्याकांड रिपीट करने के फिराक में। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के खास गुर्गे असाद कालिया ने फिर से रंगदारी के लिए एक और वकील को फोन पर धमकी दी है। जी हाँ, अब पीड़ित वकील का नाम वकार अहमद है, जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए करेली थाना में तहरीर देने पहुंचा। उसने बताया कि वो अपने भाई के साथ अपने साले के प्लॉट पर गया था। उसी वक्त वहां एक रशाद और उसके साथ कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और आकर उससे पूछताछ शुरू कर दी और फिर धमकी देने लगे कि अगर प्लॉट चाहिए तो अतीक अहमद के खास गुर्गे असाद को 10 लाख रुपए देना होगा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने वकील के सर पर पिस्तौल रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी और असाद से फोन पर बात भी करवाई। असाद ने तो वकील को धमकी भी दी कि उमेश पाल भी वकालत करता था, लेकिन नहीं बच सका। इसलिए जो कहा जाए वो करो। इन सभी बातों से वकील वकार अहमद इतना डर गया कि वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और असाद सहित कई लोगों के खिलाफ करेली थाना में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर की। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। मामला आपको समझा देते हैं। दरअसल 2005 में प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या हुई, जिसके बाद 24 फरवरी 2023 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। अब क्योंकि उमेश पाल एक वकील थे, इसलिए एक बार जब वकील को धमकी मिली, वो भी अतीक के गुर्गे की तरफ से, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अतीक के लोग वापस से उमेश पाल हत्याकांड जैसी घटना दोहराने के फिराक में है। बता दें, अभी हाल फिलहाल पुलिस ने मंगलवार को पुलिस कस्टडी रिमांड पर अतीक के 5 गुर्गों से पूछताछ की और उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने एक एक सवालों का जवाब दिया और विस्तार से बताया कि हत्या की पूरी प्लानिंग क्या थी। वहीं उधर अतीक का बुरा हाल, उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि किस तरह से सीएम योगी ने माफियाओं को चेतावनी दी है, सुनिए। एक योग्य शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा।